नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है, ये जानकर आप खुश हो जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं इसलिए भी सच कह रहा हूं क्योंकि यदि एक राज्य में ये लागू हो चुका है तो पूरे पूरे भारत में यदि ये लागू हो जाता है तो मान के चलिए कि भ्रष्टाचार हो जाएगा समाप्त और योग्य व्यक्ति को मिलेगा सरकारी नौकरी, वो भी आईएएस आईपीएस डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी पद है इस दुनिया में, रेलवे के, बैंकिंग के, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यदि यहां पर ये एक साथ लागू हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। लोग खुशियां मना रहे हैं और ये खुशियों का दिन है। दोस्तों आइए जानते हैं वो खुशखबरी क्या है, गुड न्यूज क्या है, आप भी जानकर मजा लेंगे, साथ ही साथ आप भी खुशी से नाच उठेंगे, मिठाइयां बांटने लगेंगे। दोस्तों मैं तो बहुत खुश हूं, आइए देखते हैं क्या है गुड न्यूज। ये है गुड न्यूज खुशखबरी, राज्य का बड़ा फैसला, वो भी आंध्र प्रदेश राज्य का फैसला, लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अब नहीं होगा इंटरव्यू। ध्यान दीजिएगा, लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर या फिर तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और भी जितने भी पद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें अब इंटरव्यू नहीं होगा। यानी कि क्लास टू और क्लास थ्री पोस्ट जो राजपत्रित अधिकारी की जो भर्ती होती है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें अब इंटरव्यू नहीं होगा। केवल 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 मात्र आपका जो है लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पर, क्योंकि लिखित परीक्षा जो आपके नॉलेज को जो है बेहतर बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में क्या होता था, इंटरव्यू में भाई भतीजा भी चलता था, यानी कि आपके समक्ष ऐसा प्रश्न पूछ देते थे जो व्यवहारिक भी नहीं होता था, और उसका उत्तर यदि नहीं जानते थे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता था, आप बाहर हो जाते थे। दोस्तों क्योंकि आप विद्वान तो हैं लेकिन इंटरव्यू के अंक भी ऐसा रखा गया था 100 मार्क्स में, यदि मान लीजिए किसी का रिटर्न टेस्ट में कम है और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिल जाता था तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता था, क्योंकि इंटरव्यू में धांधली होने की संभावनाएं, गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन लिखित परीक्षा में धांधली की संभावनाएं सबसे कम रहती है, क्योंकि आपकी विद्वानता का परिचय जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यहां पर इंटरव्यू टोटल समाप्त हो जाएगा। यहां पर देखते हैं खास बातें क्या है। राज्य सरकार यानी कि कौन सी राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा से खत्म किया इंटरव्यू, अब सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर मिलेगी नौकरी। लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। अक्सर छात्रों को लोक सेवा आयोग में अंतिम रूप से चयन के लिए होने वाले इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर उलझन रहती है। लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कई छात्र इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए अब इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा से इंटरव्यू को टोटल खत्म कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी ने गुरुवार को आयोग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया। यह बड़ा बदलाव है जो 1 जनवरी 2020 से आयोग द्वारा की जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा, यानी कि 1 जनवरी 2020 से यह लागू भी हो जाएगा। यानी अब आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाले सभी भर्तियां सिर्फ लिखित परीक्षाओं के आधार पर की जाएगी। ऐसा शायद पहली बार होगा जब किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा बिना इंटरव्यू के सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। फैसले की तारीफ या विरोध
यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश सरकार की इस फैसले की तारीफ भी हो रही है और विरोध भी। जो लोग इंटरव्यू व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं उनका कहना है कि इसे खत्म करने से अभ्यर्थियों की वास्तविक क्षमता का परखा नहीं जा सकेगा। वही जो लोग सरकार की इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की प्रथा खत्म होगी। क्या आपको लगता है क्या फैसले की तारीफ होनी चाहिए या विरोध होनी चाहिए? आपके कमेंट से माध्यम से हम जानना चाहेंगे। आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि इंटरव्यू होनी चाहिए या इंटरव्यू खत्म हो जानी चाहिए? दूसरा प्रश्न है क्या यूपीएससी और दूसरे स्टेट के पीएससी के द्वारा जो भर्तियां होती है क्या उसमें इंटरव्यू को समाप्त कर देना चाहिए या इंटरव्यू को रखा जाए? क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या सहमत नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स के हर उत्तर पर जो है ध्यान रखूंगा और आपको मैं रिप्लाई भी करूंगा। दोस्तों ये थी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, गुड न्यूज, यानी कि अब इस राज्य से दूसरे राज्य भी सीख लेंगे और बहुत सारे राज्य अब जो है इंटरव्यू को समाप्त करेगी या फिर स्टूडेंट ये मांग करेंगे कि आंध्र प्रदेश की नीति को जो है पूरे राज्य में लागू किया जाए, पूरे देश के राज्यों में लागू हो। ये मांग अब उठने लगेगी। एक राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य में भी जो बेरोजगार साथी हैं, विशेषकर जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन इंटरव्यू में उनका परफॉर्मेंस जीरो रहता है, इंटरव्यू उनके बस की बात नहीं है क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं होता और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कभी जिंदगी में सुने नहीं रहते हैं या सुने भी रहते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये उन अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगा जो रिटर्न परीक्षा पास करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं देखूंगा आपके कमेंट्स, देखते हैं कितने लोग कमेंट्स लिखते हैं।